माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि श्राइन बोर्ड ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और वो फैसला ये है कि दुनिया भर से जब श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचते हैं तो दर्शन से पहले ही अब वो लोग माता को अच्छे से निहार सकते हैं। दरअसल श्राइन बोर्ड ने 6 हाईटेक वीडियो वॉल्स जो हैं वो लगाई हैं, जिसमें माता के दर्शन से पहले ही आप लोग माता को निहार सकते हैं, यानी के सुबह की आरती और शाम की आरती जो है वो उस पर लाइव प्रसारित की जाएगी, जिससे श्रद्धालु माता के दरबार पहुंचने से पहले ही माता को निहार सकेंगे। श्राइन बोर्ड ने 6 बड़े हाईटेक वॉल कटरा से भवन के पैदल ट्रैक के बीच पड़ने वाले 6 रास्तों में लगवाए हैं। पहला वीडियो वॉल यात्रा शुरू होने से पहले बाणगंगा में लगाया गया है, जबकि बाकी वीडियो वॉल त्रिकोट मार्ग, सांझी छत, भैरव मार्ग, लंगर पॉइंट और अधकुवारी में लगाए गए हैं। इन वीडियो वॉल में सुबह और शाम दोनों समय होने वाली आरती को लाइव दिखाया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु माता के दरबार पहुंचने से पहले वीडियो कॉल के जरिए उनके दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी से जुड़ी पुरानी मान्यताओं के बारे में जानकारी मिल सके, इसके लिए वीडियो वॉल पर माता की कहानियां भी दिखाई जा रही हैं। इसके साथ ही इन वीडियो वॉल में श्रद्धालुओं के लिए यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी के साथ साथ यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी जा रही है। कटरा में मौसम बदलने के दौरान होने वाली परेशानियों से श्रद्धालुओं को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए मौसम विभाग की तरफ से यात्रा के दौरान मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है और पारा कितना है, इसकी भी सटीक जानकारी वीडियो वॉल के जरिए श्रद्धालुओं को दी जा रही है। यात्रा के दौरान अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग लापता हो जाता है या भटक जाता है, उसकी जानकारी के लिए भी वीडियो वॉल का सहारा लिया जा रहा है। वीडियो वॉल लगाने से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालु काफ़ी उत्साहित हैं, जिनका कहना है इन वीडियो वॉल के जरिए न केवल वो माता के दर्शन यात्रा के दौरान कर रहे हैं, बल्कि यात्रा के दौरान किसी जगह पर क्या सुविधा है उसकी जानकारी मिलने से उनकी यात्रा आसान भी हो रही है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? जो फैसला श्राइन बोर्ड द्वारा लिया गया है, क्या वो फैसला सही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि जो हाईटेक वीडियो वॉल्स श्राइन बोर्ड द्वारा लगाई गई हैं, उससे श्रद्धालुओं को कितना फायदा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।